देखिए मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, मैं किसी का वेट कर रहा हूँ, पैसे जरा आप आगे जाके मांगिए। हाउ डेयर टू टॉक मी लाइक दिस, आई एम नॉट अ बैगा। प्रॉब्लम क्या है यार, आप बहुत ही बदतमीज आदमी हो। देखिए मैंने कहा आपको अड़ंगी लेके गिरा दिया या आपकी नाक के बाल खींच लिए जो आप मेरे को बदतमीज कह रही हैं। ओह माय गॉड, आज मैं सुबह किसकी शक्ल देख के उठी थी? अपनी ही देखी होगी। जी नहीं, जब मैं अपनी शक्ल देखती हूँ तो मैं उस दिन घर से बाहर नहीं निकलती हूँ, समझे। वैसे आप कुछ पूछ रही थी मुझसे। वैसे तो मैं यहाँ रंगीला यादव से मिलने आई थी, पर अच्छा हुआ तुमने मेरा मूड पहले ही ऑफ कर दिया। अब मैं चलती हूँ। अरे रंगीला यादव तो हम ही हैं, और पिछले 1 घंटे से हम आप ही के वेट कर रहे थे। लेकिन ना तो अब मुझे आपसे मिलने में कोई इंटरेस्ट है और ना ही आपसे कोई बात करने में इंटरेस्ट है। अच्छा हुआ आपने मेरी आँखें पहले ही खोल दी। अरे थोड़ी देर हमसे और बात कर लेंगी तो जो सालों से आपका दिमाग बंद है वो भी खोल देंगे। देखिए आप कुछ ज़्यादा ही पर्सनल होते जा रहे हैं आप। अरे आप जरा इस गुस्से को थूकिए और आराम से बैठिए। सुना है इस कैफ़े की कॉफ़ी बहुत अच्छी है। लेकिन मैं अपनी कॉफ़ी का बिल खुद ही दूंगी। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहो तो हमारी कॉफ़ी का भी बिल आप ही दे देना। वैसे तुम करते क्या हो? अरे हम तो नारियल अपनी बाजू में फंसा के उसे दबा के फोड़ देते हैं। अरे अकल के अंधे, मैं तुमसे तुम्हारा काम पूछ रही हूँ। ऐसा है, ये भी हमारा एक टैलेंट है। गाँव में जब भी कोई पूजा होती है तो लोग हमें स्पेशल इन्विटेशन देने के लिए आते हैं। यार मैं जितना सोच रही थी, ये लड़का तो उससे भी ज़्यादा बेवकूफ़ है। अरे यार ये लड़की है तो अकल से पैदल, पर मेरे को लगता है कि दिल की बड़ी साफ है, जो भी मन में आता है मुंह पे कह देती है। अब ये बत्तीसी क्यों दिखा रहे हो? और ये नाम क्या है तुम्हारा? रंगीला यादव, जैसे किसी B ग्रेड फिल्म के टाइटल का नाम हो। तुम कौन सा स्कारलेट जॉनसन हो? साला शादी के कार्ड में जब ये नाम छपेगा ना मुकेश, तो आधी पब्लिक तो ये पागल हो जाएगी कि साला लड़की का नाम कौन सा है। वैसे बातों बातों में हम ये तो आपसे पूछना ही भूल गए कि आप लेंगी क्या? लेना तो मैं तुम्हारी जान चाहती हूँ, पर एक काम करो, अभी फिलहाल मेरे लिए एक आइसक्रीम मंगवा दो। हाँ, ठंडी ज़रूर होनी चाहिए। हाँ हम तो सालों से गर्म ही आइसक्रीम खा रहे हैं, हमें तो आज ही पता चला कि आइसक्रीम भी ठंडी होती है। वैसे हमने आपके बारे में कुछ नहीं पूछा, आपकी हॉबीज़ क्या हैं? क्या रोटी वोटी थाप लेती हो क्या? व्हाट डू यू मीन बाय रोटी वोटी थाप लेती हो? मैं एक पढ़ी लिखी आज की लड़की हूँ, समझे। और मैं तुम्हारी तरह ना वेली नहीं हूँ। पहले मैं टिकटॉक स्टार थी, वो तो गवर्नमेंट ने टिकटॉक बंद कर दिया तो मैं PUBG खेलने लगी। उसके बाद गवर्नमेंट ने PUBG भी बंद कर दिया। तो मतलब फिर अब क्या अब मैं अपनी सहेलियों को वश में करना सीख रही हूँ। अरे तो इसमें सीखने की क्या बात है, हम तो 2 मिनट में अपने दोस्तों को वश में कर लेते हैं। हाँ कैसे? अरे हमें बस इतना ही बोलना होता है कि पिएगा क्या आज। बाय द वे तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। अरे थैंक यू, पर आप भी कुछ कम नहीं हो। तो वैसे मैं अब घर जाके क्या कहूँ? जो मन में आया कह देना। अरे मेरी भोली पंजाबन, मेरा कहने का ये मतलब है कि मेरे घर वाले जब मुझसे पूछेंगे कि लड़की पसंद आई या नहीं आई तो मुझे क्या कहना है। मतलब तुम कहना चाहते हो कि मैं तुम्हें पसंद नहीं आई? हमारा वो मतलब नहीं था, मेरा कहने का ये मतलब था कि आगे हमें बात बढ़ानी चाहिए या नहीं चाहिए। अब वो भी मैं ही बताऊँ तुम्हें क्या? ऐसा है कि हम तुम्हारी सहेली से पूछ लेंगे। हमारी सहेली से काहे पूछेंगे, और वो यहाँ कहाँ है? अरे मेरे भोली बकरी, हम तुम्हें पसंद हैं या नहीं, तुम्हें हमसे शादी करनी है या नहीं करनी। हमारी औकात हमें एक आइसक्रीम खिलाने की तो है नहीं, और हमसे शादी करने चले हो। पर हाँ, फिजाओं के बदलने का इंतज़ार मत कर, आंधियों के रुकने का इंतज़ार मत कर, पकड़ किसी अपने जैसी को मेरी हाँ का इंतज़ार मत कर। तो मेरा भी जवाब सुन ले, निकाल दिया तूने हमें अपनी ज़िंदगी से, निकाल दिया तूने हमें अपनी ज़िंदगी से भीगे टिश्यू की तरह, निकाल दिया तूने हमें अपनी ज़िंदगी से भीगे टिश्यू की तरह, ना धोने के काबिल छोड़ा ना आंसू पूछने के। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपके कमेंट्स का मैं वेट कर रही हूँ। बाय बाय।